हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आईफोन बुक किया था बिग बिलियन डे के ऑफर पर। तो यार बहुत बंदों ने जो है आईफोन बुक किया, वो किसी ने 12 किया, किसी ने 13 किया, जो जिसके बजट में है उसने वो बुक किया। तो मेरे बजट में यार 11 ही आया था, तो मैंने 11 बुक किया। ठीक है, तो फाइनली जो है मेरे पास डिलीवर हो चुका है। डिलीवर की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी अपने चैनल पर। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाली है कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, क्योंकि एक नए यूज़र के लिए जिसने पहली बार आईफोन मंगवाया हो, या फिर आप भी कभी मंगवाना सोच रहे हो उसके बारे में कि अभी मंगवाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आईफोन के साथ क्या क्या मिलता है और कैसा आईफोन का फर्स्ट लुक होता है और क्या एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक एप्पल का फ़ोन चलाया ही नहीं भाई, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और आईफोन 11 से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है, क्योंकि भाई इतना बजट नहीं था, तो बजट के अंदर ये आ गया तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। अब इसकी अनबॉक्सिंग तो ऑलरेडी जो डिलीवरी बॉय है वो ऑलरेडी ओपन डिलीवरी करके देता ही है, बट उसके बाकी मैंने जो इसका सेटअप ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है ना, तो मैंने इसको ऑन भी कर लिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो इसका सेटअप कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वाइट कलर का है ये। ठीक है, 64 GB है, बिल्कुल लुक न्यू है, और ये नहीं है कि कोई रिफर्बिश्ड फ़ोन नहीं है और कोई सेकंड हैंड फ़ोन नहीं है, क्योंकि कई बार डर लगता है कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे ना फ्रॉड बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के मतलब जो ऑनलाइन परचेज करते हैं यार, बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ से, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सेफ़ है, सिक्योरली होता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके, न्यू पीस है, फ्रेश पीस है। मैंने एप्पल की वेबसाइट पर चेक कर लिया ऐसा सारा कुछ, सीरियल नंबर डाल के और इसका EMI नंबर मैच करके प्रॉपर मैंने चेक कर लिया कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी चेक कर ली है, एक्सपायरी डेट वगैरह प्रॉपर दिखा रहा है, सब कुछ जेन्युइन है भाई। ठीक है, 84% इसकी बैटरी हेल्थ मुझे मिली है, जो पहले से चार्ज है यानी कि। ठीक है, अभी इसका अडैप्टर मैंने नहीं मंगवाया, क्योंकि जब तक अडैप्टर नहीं आएगा तब तक मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अडैप्टर के लिए भी अभी जो है सर्चिंग करनी शुरू कर दी है। तो मैं देख रहा हूँ कि ऑफलाइन मेरे को सही मिलता तो ऑफलाइन ले लूँगा कल संडे को, अदरवाइज जो है मैं ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे इसको बुक करने वाला हूँ। तो अभी अगर आपने भी नहीं बुक किया तो आप भी प्लीज़ बुक कर लेना, अगर आपने आईफोन बुक किया होगा, क्योंकि मेरे पास लोगों से कमेंट आए थे तो उन्होंने भी आईफोन 11 को बुक किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताना कि आप लोगों को रिसीव हो गया या नहीं हो गया। तो बाकी इसके अंदर कुछ नहीं मिलता, ये केबल मिलती है, आप देख सकते हैं जो उसकी डाटा केबल्स होती है बस वही मिलती है, अडेप्टर आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी इसकी इसके अंदर बुक मिलती है बस, बाकी कुछ नहीं है, खाली होता है। ठीक है ना, तो अब इसका सेटअप मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, सेटअप कैसे करना है, देखो जो फर्स्ट टाइम आईफोन यूज़ करेगा तो उसको पता नहीं होता कि सेटअप कैसे करना है, कैसे इसमें अपनी क्लाउड आईडी बनानी है, कैसे पूरा सेटअप करना है, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो पूरा उसके अंदर मैंने सेटअप किया है कैसे, तो सब कुछ मैंने उसमें बताया है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।